सो गाइस, आज क्लैंप मीटर के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके दो एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास एक तार है और ये कुछ बेकार क्लैंप मीटर का भी अपने पास एक क्लिप पड़ा है। तो ये था अपने पास बेकार वाला क्लैंप मीटर। तो अपने पास भाई बेकार वाला क्लैंप मीटर तो बेकार है ही, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्लैंप मीटर से फ़ायदा क्या है। तो इससे आप किसी भी चीज़ का लोड देख सकते हैं। मेरा लोड से मतलब था कि आप किसी भी मोटर का क्या लोड चल रहा है, कितने एम्पियर का वो लोड ले रही है, जिस टाइप का लोड देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं टच कर रहा हूँ तो 5-5 एम्पियर 6-6 एम्पियर तक भी चले जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक तार इसके अंदर से क्लैंप के अंदर से हमने गुजारा हो और इसी तार की मदद से भाई ये रीडिंग बता रहा है कि कितने एम्पियर इसके अंदर जा रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये लोड इतना है कि आपके घर के जो पंखे लगे हुए होते हैं ना छत वाले, 7 या 8, इतना लोड ये जो छोटे से तार ने इतना टाइम ले लिया। तो गाइस चलिएगा, करते हैं अब दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के लिए भाई अपने पास यहाँ पर कॉपर का तार था, इसके मैंने छल्ला बनाया और छल्ला बना के कुछ प्लास्टिक पे मैंने इस तरीके से लिपटा दिया और यहाँ पर मैं 220 वोल्टेज देने वाला हूँ और यहाँ से आउटपुट देखते हैं कि निकलते हैं नहीं निकलते। तो यहाँ पर होने के वाला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने वाला है। तो यहाँ पर रीडिंग चेक करने के लिए मैंने क्लैंप मीटर को सेट कर लिया डीसी मोड पर और देखते हैं कि यहाँ पर डीसी वोल्टेज निकलते हैं या नहीं निकलते, यानी कि बैटरी वाले वोल्टेज जो होते हैं वो निकल रहे हैं या नहीं। तो भाई यहाँ पर बैटरी वाले वोल्टेज तो नहीं निकल रहे, चलिए इसे एसी मोड पर सेट करके देखते हैं, शायद हो सकता है कि करंट इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर करंट के वोल्टेज 1-2 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भाई वोल्टेज करंट का भी बिल्कुल नहीं आ रहा। भाई अपने को वोल्टेज तो जरूर निकालने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें मैंने एलईडी बल्ब फिट कर दिया है और इसमें एलईडी बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता। अब मैं इसमें डायरेक्ट 220 वोल्टेज देने वाला हूँ। ओ भाई साहब, 220 वोल्टेज देते ही यहाँ पर बल्ब तो ग्लो हुआ लेकिन हमारी कॉइल भाई यहाँ पे जा चुकी है। तो आप देख सकते हो कि बल्ब बहुत थोड़ा सा ग्लो हुआ था कुछ सेकंड के लिए, लेकिन हमारी यहाँ पर कॉइल फूक चुकी है। तो भाई कॉइल तो फूक गई, अब मैं सोच रहा हूँ इसे खोल कर देखा जाए। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही हो, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस ये मैं थोड़ा बोलना चाहता था। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर से कुछ टाइप की जो है कॉइल निकली है अपनी, जिसमें हम करंट दे रहे थे। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर आप देख सकते हो काली भी हो चुकी है, यहाँ पर शॉर्ट हो गई थी ये। तो कुछ लोहे की कोर के ऊपर इस तरीके से तांबे को लिपटाया हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई फिर से मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो ना गाइस इससे थोड़ी सी भी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुशी की वजह से आपके एक सब्सक्राइब से भाई हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हमें नहीं हर किसी यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।